इस वक्त हम दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौजूद हैं। दरअसल ये जो इलाका है इसको झड़ौदा पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जिसने खुदकुशी करी है, इनिशियली ऐसा पता लग रहा है। बहरहाल परिवार जो है जाहिर तौर पर तमाम आरोप लगा रहा है। ये भी पता चला है कि दरअसल दूसरे पक्ष के साथ इनका झगड़ा हुआ था जो रात की कॉल थी, और उसके बाद जो लड़की है वो थाने भी गई थी स्टेटमेंट लिखवाने के लिए, लेकिन उसने कहा था कि वो सुबह स्टेटमेंट लिखवाएगी। क्या पूरा माजरा था बात करने के लिए उनके ब्रदर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। योगेश जी बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली इंसिडेंट ये था, इनका जो झगड़ा हुआ हम लोगों ने 100 नंबर पर कॉल करी, पुलिस वाले आए, ये झड़ौदा पार्ट 2 की पुलिस पोस्ट है वहाँ पर लेके गए, वहाँ से उन्होंने मेडिकल वगैरह करवाया। उसके बाद जब हम आते हैं मेडिकल करवा के तो हमें बैठा के रखा कि हाँ जी आपकी स्टेटमेंट नोट करेंगे, अभी करेंगे तब करेंगे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो इनके जो हैं जो पड़ोस में रहते हैं, दीज आर द गुंडा टाइप एलिमेंट, एंड इनकी गैदरिंग थाने पे इकट्ठी होती गई। जब थाने पे ये लोग इकट्ठे होने लगे तो जो उसके भाई वगैरह थे, उसकी जो एक सिस्टर है उसने भी अपने कुछ अनसोशल पर्सन्स को बुला लिया, और वो जाके जो लड़की के फादर हैं हमारे चाचा जी, उनको थ्रेट करने लगे कि आप इसको सेटलमेंट करो, समझौता करो, और ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आगे से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम उनके दबाव में नहीं आए, हमने आईओ थे ASI सुरेंद्र, उनको लड़की ने अपनी स्टेटमेंट दी, उसमें फिर उन्होंने बोला कि कुछ इसके अंदर मैनुअली लिखा था तो कुछ उसमें करेक्शन थे, कह रहे हम इसको फेयर कर लेंगे। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, जब आप फेयर कर लोगे तो आप इस हमें अभी मुकदमा दे दो। वो बोलते हैं कि अभी SHO साहब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा अगर SHO साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बींग अ ड्यूटी ऑफिसर कोई यहाँ पर होगा, ये तो है नहीं कि अगर SHO साहब फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आप मुकदमा नहीं दोगे। कह रहे नहीं नहीं हम बिना उनसे पूछे हम मुकदमा नहीं देंगे। अब रात के 11:30 बज रहे थे, हमारी साइड से लड़की के फादर थे, मेरे चाचा जी थे, मैं था, और एक उनके जीजा जी थे, हम 3-4 लोग थे, और उनकी साइड से 30-40 लोग थाने पे इकट्ठे हो गए थे, और जो मेन अक्यूज्ड हैं इनके वो लोग वहाँ पर गैदरिंग कर रहे थे, उन लोगों का निकलते बढ़ते थ्रेट कर रहे थे उसके फादर को कि अभी तो लड़की के साथ हुआ है और अभी तेरे साथ भी होगा। तो मैंने उनको बोला IO साहब को, मैंने कहा अगर आप मुकदमा दे रहे हो तो आप दो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बिकॉज हमारे साथ लड़की भी थी जो डिसीज है, उसकी बॉडी पर इतने कट लगे हुए थे कि वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा रात के नियर अबाउट 11:45 हो रहे हैं, हम लोग थाने पर नहीं रुकेंगे, एज़ पर लॉ भी लड़की को रोकना थाने में अलाउ नहीं है, तो हम उसको लेके आ गए। कुल मिला के ये है कि अगर पुलिस अपना काम ठीक ढंग से करती और रात को ही उन कल्पिट्स को आप लोग बैठा लेते तो आज लड़की वो जिंदा होती। इनके घर में लड़कियां जब बाहर निकलती वो शराब वराब के नशे में रहते हैं, कमेंट्स पास करता था, और जब इसकी मदर बोलती तो वो ये सोचते कि घर में तो बस खाली 4 बहनें हैं, फादर इनका चला जाता, भाई ड्यूटी चला जाता है, कोई नहीं है इनकी तरफ से बोलने वाला। तो उनका जो एक अंदर से जो उनकी इंटेंशन थी वो दिन पर दिन उनकी बढ़ती जा रही थी कि इनकी तरफ से तो कोई बोलने वाला नहीं है, और जो पुलिस थी पुलिस ने भी अपना काम। ये भी बात सामने आई है, इस तरह की बात है, इसमें कितनी सत्यता है हमें क्योंकि नहीं पता है, हमने सुनी है कि लड़की का लड़के से अफेयर भी था, ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, ये तो भैया दुनिया कुछ ना कुछ तो बोले। आपका कहना है कि लड़की को छेड़छाड़ करते थे, लड़की परेशान थी, इसके बाद जो उसके परिवार के लोग आए यहाँ तोड़फोड़ की, उसके बाद जब आप पुलिस के पास गए तो पुलिस का रवैया, पुलिस ने मेन जो वो टूटी लड़की वो वहाँ पर टूटी जब पुलिस ने हमारी हेल्प नहीं करी। देखिए ये इनका साफ साफ कहना है, यही वो घर है, और ये आप देखिए शीशा टूटा हुआ है, यहाँ पर गेट खटखटाया, इस तरह की बात जो परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल अब जाँच की जाएगी, लेकिन जिस तरह से पूरा वाक्य हुआ है अगर परिवार की माने, क्योंकि अभी जांच होगी इस बात की पूरी, तो जाहिर तौर पर पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अगर ऐसा पुलिस का बिहेवियर था कि जब लड़की थाने में गई तो वहाँ उसकी कंप्लेंट नोट करने के बजाय तमाम तरीके की बहानेबाजी की गई, और अब सच्चाई ये है कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है, और जाहिर तौर पर परिवार सदमे में है, और ऐसे में अब पुलिस मामले की जाँच की बात कर रही है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।